नमस्ते, आप सभी को आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से इसमें रेसिपी में आपको बताएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउल लेंगे, उसमें कॉर्न डाल लेंगे। कॉर्न हम बॉईल किया हुआ लिए हुए हैं, तो इसको अच्छे से धो लेंगे। इसको धोना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसको धोने के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, फिर हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और फिर थोड़ा मैदा डालेंगे। इन तीनों को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा हल्दी डालेंगे, फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि सारे कॉर्न में कोटिंग अच्छे से हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से कोटिंग हो गई है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें नमक डाल दीजिएगा, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और देखिए कॉर्न में कोटिंग कितनी सही तरीके से हो गई है। तो चलिए अब हम पैन को गर्म करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाए अच्छे से, तब इसमें जो कॉर्न था उसको डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कॉर्न अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में चलिए निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। सारे कॉर्न को बाउल में निकालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटा हुआ मिर्ची डाल देंगे। फिर हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने स्पाइसी आप जितना खाते हो उस हिसाब से डालिएगा। फिर हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें पेरी पेरी मसाला डालेंगे। ये मसाला आप स्किप कर सकते हैं, पर ये डालने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं क्रिस्पी कॉर्न बनके रेडी हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी था, तो आप लोग एक बार बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।